हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी पे बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगर आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी है और आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। कोई चीज होगी या नहीं होगी उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सपोज हमारे पास एक बॉल है, आप बॉल करते हो तो आप बैट्समैन को बोल्ड करने का चांस देखते हो कि कितना चांस है ये बोल्ड होगा या नहीं होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। हमारे पास बहुत ही फेमस एग्जांपल है क्वाइन को टॉस करने का। जब हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ हेड और इवेंट, ओके, या हेड होगा या इवेंट होगा, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। नाउ फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक ये होता है कि उसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेट है, ओके, बिल्कुल सर्टेन है, और दूसरा होता है कि इनडेफिनेट है, मींस होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो, ओके, तो 100% ये है कि बॉल ऊपर चला जाएगा, ओके, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज डेफिनेट। जब आपको रिजल्ट पता है, डेफिनेट पता है, उसको हम प्रोबेबिलिटी नहीं कहते, ओके? उसके बाद जब आप बॉल करते हो तो बोल्ड होने के चांसेस कितने हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ओके? नाउ अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टर्म्स जो इसमें बहुत ही ज्यादा यूज होती है वो है ट्रायल और इसके साथ इवेंट्स। नाउ ट्रायल क्या होता है? ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मींस कोई भी आप काम करते हो, ओके, और उसका जो रिजल्ट है वो यूनिक ना हो, उसको हम कहते हैं ट्रायल, ओके। सपोज आपके पास एक डाई है, आपने डाई को फेंका, ओके, जो कि आजकल लूडो गेम में जो डाइस होता है, आपने उस डाइस को फेंका, ओके, तो उस फेंकने को आप कहते हैं ट्रायल, ओके, और जो हमारे पास आउटकम्स आएंगे, जो हमारे पास आउटकम्स आएंगे, ओके, उनको कहते हैं इवेंट्स। जैसे थ्रोइंग अ डाई, तो थ्रोइंग अ डाई क्या हमारे पास? ये हमारे पास है ट्रायल, ओके। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएंगे, 3, 4 एंड सो ऑन 6, ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इनको कहते हैं इवेंट्स, ओके। थ्रोइंग डाई हो गया ट्रायल और ये हो गए इवेंट्स। उसके बाद क्वाइन है, हमारे पास एक क्वाइन है, हमने एक क्वाइन को फेंका, ओके, जो हमने क्वाइन को फेंका दैट इज टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन। जो हमने क्वाइन को टॉस किया वो हमारे पास हो गया ट्रायल, ओके, और जो हमारे पास हेड या टेल आएगा, ओके, जो हमारे पास हेड या टेल आएगा उसको हम कहेंगे इवेंट, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो यूज होती है एग्जास्टिव इवेंट्स। नाउ एग्जास्टिव इवेंट्स होता क्या है? एग्जास्टिव इवेंट्स होता है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको कहते हैं एग्जास्टिव केसेस। ये भी टर्म बहुत यूज होती है, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट समझा कि मैं इस टर्म को आपके साथ डिस्कस करूं। जैसे हमारे पास एक क्वाइन को जब हमने टॉस किया तो हेड
हेड और टेल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एग्जस्ट इवेंट्स है, दैट इज टू। नंबर ऑफ एग्जस्ट इवेंट्स कितने हैं? टू है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स व्हेन थ्रोइंग अ कॉइन कॉइन सिंगल टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो होती है फेवरेबल इवेंट्स। नाउ फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स होता है कि एक इवेंट को कितना फेवर करते हैं। ओके, जैसे हमारे पास जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट आता है वो हेड या टेल आता है। ओके, सपोज हमारे पास जो इवेंट है, हमने इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमने लिया है हेड। ओके, ठीक, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? वो हमारे पास है एक, दैट इज एक बार हेड आ सकता है। ओके, सपोज हम कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ओके, नाउ इस केस में हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं हेड के लिए? वो है दो। ओके, दैट इज कितने बार पॉसिबल है कि हेड आ सकता है, उसको हम कहते हैं फेवरेबल इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? ये होता है कि जब कोई रिजल्ट हो, ओके, उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दूसरा भी हो जाए। सिंपल, अगर आप सिंपल टर्म में कहें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मींस किसी एक काम का एक ही रिजल्ट हो सकता है। ओके, दैट इज जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक, तो सपोज हमारे पास जो रिजल्ट है वो हेड आ गया। ओके, तो जब हेड आ गया इसका मतलब टेल नहीं आएगा फिर, ठीक, एक ही रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आएगा, ठीक है, एक ही साथ दो चीजें नहीं होंगी। ओके, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये यूज होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं एक बार फिर समझाता हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मीनिंग है कि एक ही रिजल्ट, किसी एक चीज का एक ही रिजल्ट है। या तो जैसे सपोज एक लड़का है, उसने एग्जाम दिया, या तो पास होगा या तो फेल होगा, एक ही साथ तो दोनों नहीं हो सकता है, पास भी हो जाएगा और फेल भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, या तो पास या तो फेल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो होती है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जिनके इक्वल चांस होते हैं हैपनिंग या नॉट हैपनिंग के। ओके, होगा या नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है हेड एंड टेल। जब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब ये हेड या टेल उस केस में आएगा जब हमारे पास जो कॉइन है वो फेयर है। ओके, अगर सपोज हमारे पास कॉइन के एक साइड में कुछ डाल दिया जाए, ठीक है, जिस वजह से वो उस टाइप मुड़ नहीं सकती है, ठीक है, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि देयर इज इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग हेड और टेल। ओके, तो उस केस में इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे हेड या टेल। ओके, इक्वली लाइकली इवेंट्स तब होंगे जब हर इवेंट के उतने ही चांस है जितने कि दूसरे के। जैसे यहां पे जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही चांसेस टेल के भी हैं, तो दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में जब भी हम कोई इवेंट लेंगे तो वो इक्वली लाइकली इवेंट लेंगे, दोनों के या तीन होंगे या चार होंगे या पांच होंगे, सारे के इक्वल चांस होंगे हैपनिंग के या नॉट हैपनिंग के। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी प्रोबेबिलिटी का इवेंट कैसे फाइंड करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की। ओके, इवेंट, जैसे इवेंट मैंने आपको नहीं समझाया, सॉरी, इवेंट मींस कोई केस, जैसे हेड या टेल। तो सपोज इन दो में से हम किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं हेड की, तो हेड हमारे पास इवेंट हो गया। अगर हम टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें तो उस वक्त हमारे पास जो इवेंट है वो टेल है। ओके, मतलब कोई काम, सपोज हमारे पास एक डाइस है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक डाई है, सॉरी, डाई हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक, इनमें से किसी एक की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें, जैसे 5 की करना है, तो 5 हमारे पास क्या हो गया, इवेंट हो गया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है फेवरेबल
फेवरेबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। एक इवेंट को कितने फेवरेबल हो सकते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यह होती है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन को मैं दो बार टॉस करता हूं, टू टाइम्स टॉसिंग अ कॉइन। ओके, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या आएंगे, या तो हेड या तो टेल आएगा, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ओके, फिर क्या होगा, या तो हेड दोनों बार हेड आ सकता है, या हमारे पास टेल या टेल आएगा, ठीक। ये हमारे पास चांसेस आएंगे। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सपोज हम फाइंड करेंगे, ठीक। तो हमारे पास जो इवेंट है वो हम हेड ले रहे हैं, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये क्या आएगा। अब यहां पे देखिए टोटल हमारे पास कितने पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4 टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 है, ओके। सो हमने लिखा 4 टोटल आउटकम। अब हेड के लिए कितने फेवरेबल हैं, ठीक, यहां पे हेड आ सकता है, ओके, यहां पे हेड आ सकता है या यहां पे हेड आ सकता है, तो 3/4, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी बार आ सकता है, तो 3 times आ सकता है, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए हेड। इसी तरह से अगर हम टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टेल, तो टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, और टेल कितनी बार आ सकता है, 1, 2 और 3, तो इसकी भी आ गई 3/4। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, लेट अस सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बैग है जिसमें रेड बॉल 3 है, ठीक, उसके बाद ब्लैक बॉल्स 4 हैं, ओके, और ब्लू बॉल्स 2 हैं, ठीक। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं रेड के, वो है 3, तो 3। उसके बाद टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 + 3 + 2, दैट इज 9। तो ये हो गए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या आएगी, देखिए 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल्स कितने हैं, 9, ओके। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स ये कितनी आएगी, 2 / 9, ओके। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, चांस फाइंड आउट करना है कि एक लीप ईयर में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडेज हो, ओके। नाउ हमारे पास जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 366 डेज, ओके। उसके बाद उसमें होते हैं 52 कंप्लीट वीक्स, 366 दिन होते हैं और 52 हफ्ते होते हैं, ठीक। इसका मतलब 52 संडेज तो हो गए, ओके। अब जो हमारे पास एक संडे है वो बाकी रह गया, और वो जो है दो एक्स्ट्रा डेज भी होते हैं इसमें से, दो डेज और, ठीक। 366 डेज होते हैं जिसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ओके। अब ये 2 डेज क्या हो सकते हैं, ठीक।
तो ये हम पहले देखेंगे ये 2 डेज हो क्या सकते हैं। सबसे पहले या तो ये संडे हो सकता है और मंडे हो सकता है, ठीक। दूसरा या तो मंडे मंडे हो सकता है या तो और उसके साथ ट्यूसडे, इसको मैं पूरा ही लिखता हूं मैं, ठीक। तीसरी चांस हमारे पास क्या है, ट्यूसडे, जो ये 2 दिन है, या तो संडे मंडे होंगे या तो मंडे ट्यूसडे होंगे या ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होंगे, ठीक। इसी तरह से या तो वेडनेसडे एंड थर्सडे होंगे, ठीक। इसी तरह से या तो फिर थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक। इसी तरह से या तो हमारे पास आएगा फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक, और या तो आएगा हमारे पास सैटरडे संडे, सैटरडे एंड संडे। ओके नाउ फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हो गया 366 डेज, उसमें से 52 कंप्लीट वीक्स हैं, पूरे हफ्ते हैं, ठीक। अब जो ये 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, ये क्या हो सकते हैं, या तो संडे मंडे हो सकते हैं, या तो मंडे एंड ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकते हैं, ठीक, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, इनमें से कोई सा भी पेयर हो सकता है ये 2 दिन। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो निकालनी है संडेज की, ठीक। तो आपने देखना है कि इनमें से संडे कहां पे कितनी बार आया है, ठीक। यहां पे संडे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, फिर लास्ट पे है, ठीक। तो संडे जो है 2 बार आया है, एक तो इसके साथ आया है, एक तो इसके साथ आया। ओके, सो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है, ठीक, जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे पास 2 हैं, तो हम ये लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है, रिक्वायर्ड PROB लिखता हूं मैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, 2 बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक हफ्ता है, ठीक, तो डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, इसके चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम्स में आने के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और 80% ना, 80 to 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, ठीक। ये चेंज हो सकता है, बट बाकी क्वेश्चन ये डेफिनेटली आएगा। ए बैग कंटेन 3 रेड 6 व्हाइट एंड 7 ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है एंड 7 ब्लू बॉल्स है, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एंड ब्लू। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल या ब्लू बॉल, तो आपने सिंपल करना था उसके कितने चांसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल, जैसे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 3 बाय इन तीनों को प्लस करना था। बट यहां पे आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल आर ड्रॉन। सबसे पहले 2 बॉल्स को ड्रॉन किया गया है, और जो 2 बॉल है वो या तो व्हाइट है या तो ब्लू है, दैट इज व्हाइट एंड ब्लू। ओके, तो इसको आप उस तरह से नहीं कर सकते हो, तो इसका मेथड होता है। ओके, तो मेथड क्या होता है, वो होता है हमारे पास NCR। ओके, एन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, एन हमारे पास होता है टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, ठीक, और उसमें से हो कितने रहे हैं, उनको डिनोट करते हैं हम आर के साथ। ओके, और जो सी है ये फैक्टोरियल डिनोट करता है। फैक्टोरियल का मतलब है, सपोज अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई तक, मल्टीप्लाई में 1 तक लिखना है, मतलब मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल का मतलब यह है, जहां पर भी होगा वहां से आपने नीचे 1 की तरफ आना है, ठीक, और जहां आप छोड़ दोगे वहां पे आपने फैक्टोरियल लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 × 4 × 3, अगर मैं 3 तक छोड़ना चाहता हूं तो 3 पे फैक्टोरियल लगाऊंगा। ओके,
तो ये होता है फैक्टोरियल का मीनिंग। तो अब हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो हमारे पास यहां पे सबसे पहले हम टोटल बॉल्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल बॉल्स कितने हैं? 16 है हमारे पास, ठीक। उसमें से रेड कितने हैं? रेड 3 है, व्हाइट 6 है और ब्लू 7 है। नाउ हमारे पास जो एग्जॉस्टिव केसेस हैं, ठीक, एग्जॉस्टिव केस मीन्स टोटल केसेस। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कितनी बार टोटल नंबर ऑफ जो टाइम है हम टू बॉल्स को ड्रा कर सकते हैं, ठीक। मींस हमारे पास जो 16 बॉल्स में से हम टू बॉल्स को, क्योंकि हमने टू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी, टू बॉल्स को कितने तरह से हम निकाल सकते हैं, ओके। तो उसका हमारे पास जो मेथड आएगा वो हमारे पास आएगा, टोटल बॉल्स हमारे पास 16 है, तो 16C2, बिकॉज हमने 2 निकालने, तो 16C2। अब इसका मतलब क्या है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ N फैक्टोरियल ऊपर से है, ठीक, तो 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, दैट इज N हमारे पास 16 है, तो 16 माइनस R 2 है, तो 2 बाहर से फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल नीचे से है यहां से, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 में से 2 निकालेंगे तो 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को मैंने बोला था आपको इसको नीचे की तरफ लिखना है, दैट इज 16 इंटू 15 इंटू 14 पे हम छोड़ देंगे, ओके। वो मैं बताऊंगा क्यों छोड़ेंगे, अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हमने इसको इसलिए छोड़ा ताकि हम कैंसिल कर सकें। अब ये वाला 14 और ये वाला 14 कैंसिल हो गया, यहां पे आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक, अपॉन नीचे से आएगा 2 इंटू 1, ओके। नाउ 2 वन जर 2, 8 टू जर 16, तो ये हमारे पास आएगा 120। तो हमारे पास जो टोटल केसेस हैं वो बनेंगे 120। नाउ जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है व्हाइट बॉल की और ब्लू बॉल की, वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये है, देखिए 6 हमारे पास टोटल व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक, 6 टोटल व्हाइट बॉल है, सी और कितने है? अब एक ही बॉल हो सकता है, ठीक, बिकॉज टू बॉल्स हैं, उनमें से एक व्हाइट होगा और एक ब्लू होगा, ठीक, इसका मतलब व्हाइट एक ही हो सकता है, ओके। तो ये हो गया व्हाइट बॉल का, एंड अब है ब्लू बॉल का। तो फ्रेंड्स आप भी बता सकते हैं, ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद मैं लिखूंगा। तो आई होप आपने कमेंट करके मुझे बता दिया होगा। तो इसका क्या आएगा, देखिए हमारे पास जो ब्लू बॉल टोटल है वो हमारे पास है 7, तो 7 सी, उसके बाद कितने, 2 निकाल लें, 2 में से हमने एक व्हाइट निकाल दिया, अब बचा एक ब्लू, तो 1। सो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो होगा 6C1 मल्टीप्लाई बाई 7C1, ओके। अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले इसको फिर इसको। नाउ 6C1, ओके, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ओके। n यहां पे हमारे पास 6 है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r, दैट इज 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक, इंटू r, r हमारे पास 1 है, तो 1 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 6 अपॉन, अब 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 6 माइनस 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल
ओके बिकॉज यहां मैं कैंसिल करूंगा इसलिए मैंने लिखा और अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 6 आंसर। ओके इसी तरह से मैं 7 का भी निकालता हूं, 7c1। ओके तो हमारे पास यही मेथड है, तो इस वक्त n हमारे पास 7 है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r इस वक्त 1 है, ठीक, इनटू r फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरे पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ओके डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये और कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 7। ओके तो फ्रेंड्स अब देखिए 6c1 मेरे पास आया 6 और 7c1 मेरे पास आया 7, तो 6 7 42, ठीक। हेंस हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आए वो आए 42, ठीक, यहां से हमने कैलकुलेट किया 42। उसके बाद जो टोटल हमारे पास आया था वो आया था हमारे पास 120, ठीक, तो 42 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हमारे पास होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की समझ आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं निकल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप मुझे शेयर कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।